हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 10:30 बजे का टाइम है। पीयूष लड़की मतलब कि नाश्ता करके लेके टिफिन अपना स्कूल चले गए हैं। मैंने भी चाय पी लिया नहाने के बाद। उसके बाद आई हूँ मैं किचन साफ़ करने के लिए। हालांकि ऐसे तो मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, आज मेरा लेट से कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे अच्छे से किचन का सफाई करना है, जो महीना 20 दिन में एक बार होता है वो वाला। और उसके बाद हमेशा तो मैं इसको मतलब कि बाहर बर्तन निकालती हूँ ज़्यादातर, जैसे चूल्हा हुआ, स्टैंड हुआ, ये सब बाहर निकाल देती हूँ। पर आज मेरे यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, लग रहा बारिश वाला मौसम जो नहीं होता है, बादल बादल घिरा हुआ है। हालांकि बीच बीच में हल्का हल्का धूप भी आ रहा है, पर लग रहा बारिश होगा। सब जगह हो रहा तो क्या पता यहीं भी हो जाए, इसलिए मैंने बाहर सब सामान नहीं निकाला है क्योंकि बाहर निकालूँगी तो आंगन फिर गीला हो जाएगा। मैंने आज कपड़ा भी नहीं धोया है, थोड़ा सा पानी गिरा देंगे तो आंगन गीला हो जाएगा, सूखेगा नहीं। धूप रहता है, हवा रहता तो सूख भी जाता है, पर जैसे धूप नहीं रहता तो सूखता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता, काई काई हो जाता है। इसलिए मैं अंदर में अपना सफाई कर रही हूँ। सर्फ मैंने लगा दिया है। मैं ज़्यादातर जैसे सर्फ लगा के पोंछ देती हूँ 2-3 दिन से एक बार चूल्हा को, तो वही सर्फ मैंने लगा दिया। उसके बाद गीला कपड़ा करके पोंछ रही हूँ। यही कपड़ा को 2-3 बार करके पोंछ दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। वैसे तो रोज़ साफ़ करते रहते तो उतना गंदा नहीं रहता है, पर वही है किचन का जितना भी सफाई करो उतना कम है। किचन में बहुत जल्दी गंदा होता है, रूम में उतना जल्दी गंदा नहीं होता, किचन बहुत जल्दी गंदा होता है मेरे यहाँ तो। उसके बाद खिड़की दरवाज़ा, इतना ज़्यादा छोटा सा खिड़की है, छोटा सा दरवाज़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक बड़ा सा खिड़की हो, खिड़की है यही वाला सामने वाला खिड़की है जो रूम में खुलता है, तो मैंने आज तक अभी इसको खोलते हुए देखा नहीं है। मतलब इतना साल में कभी नहीं खुला ये, अभी तो मैं कोशिश करती हूँ तभी नहीं खुलता है। अब मैंने जाम भी करवा दिया, अब खुलेगा भी नहीं कभी, क्योंकि ये रूम में इसीलिए कोई खोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, रूम फिर गंदा होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं अपना काम भी कर रही हूँ, मैंने गाना चला के रखा हुआ है होम थिएटर में, तो वही बीच बीच में मैं चेंज करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मेरा एक आदत बना हुआ है, मैं काम करती हूँ या तो गाना चला लेती हूँ फ़ोन में, या फिर मतलब फ़ोन में बात करते रहती हूँ। अकेले घर में रहते हैं तो मतलब कि एक अजीब सा रहता है, मन नहीं लगता है, तो मैं काम में लगती हूँ तो वही मतलब कुछ न कुछ अपना बिजी रहती हूँ काम करते करते में भी, तो फिर काम भी हो जाता है अपना, बात भी हो जाता है। क्योंकि और सब तो काम मेरा ज़्यादातर कंप्लीट है, किचन का सफाई करना है बाकी छोड़ दिया था मैंने, और सुबह का जैसे झाड़ू पोछा ये सब हो गया है मेरा। कपड़ा आज मैंने धोया नहीं, एक तो मौसम ख़राब उसकी वजह से मैंने धोया है, ज़्यादा नहीं धोया, मतलब 2-4 कपड़ा जो धुलता रेगुलर वाला वही धो दिया है, और ज़्यादा कपड़ा जैसे मशीन नहीं लगाया है तो उतना दिमाग लगाना नहीं है। किचन साफ़ करने के बाद केवल खाना बनाने का है आज को। किचन साफ़ करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं इस तरह से साफ़ करने में लगी हूँ क्योंकि पहले वाला काम सब कंप्लीट कर दिया। अब खाना बनाने का है, जो लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष लड़के अपना स्कूल चले गए, टिफिन लेके नाश्ता करके, तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। मेरा नाश्ता नहीं हुआ है क्योंकि मेरा नाश्ता हमेशा से लेट ही होता है, ज़्यादा जल्दी होता नहीं है। अब मुझे भूख भी नहीं लगता है क्योंकि अभी मैंने 10-15 मिनट पहले चाय पिया है। मेरा सुबह का चाय जैसे एक बार हो जाता है 7 बजे झाड़ू पोछा होने के बाद, एक बार फिर अभी होता नहाने के बाद, वो भी कभी कभी जैसे मौसम ये ठंडा है इसलिए मैंने पी लिया है, आज जैसे धूप रहता है गर्मी जैसा हो जाता है तो मैं नहीं पीती हूँ। आज तो मौसम ठंडा है तो आज तो मैंने पिया है अभी। अब वैसे तो ये डिब्बा सब मैं मतलब कि जब भी सामान खाली होता है तो साफ़ करने के लिए निकालती हूँ, साफ़ करने के बाद ही अंदर रखती हूँ, उसके बाद भी बीच बीच में कपड़ा लगाते रहते हैं तो फिर साफ साफ रहता है, चिपचिप नहीं करता है। यहाँ देखिए रात में अंगूर आया तो लक्की ने यहीं रख दिया, मुझे याद भी नहीं था कि यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन के बाद किचन में आओ तो सब उलट पुलट रहता है। मेरे साथ तो ये रहता है, जब मैं अपना किचन का काम खुद करती हूँ, अपना खुद से सब काम करती हूँ तो फिर अपने आप में अच्छा भी लगता है और मन भी लगा रहता है, क्योंकि वैसे तो आप सब समझ गए होंगे।
पहले मेरा किचन पूरा खाली खाली लगता था, सब कोई बोलते भी थे कि आपका किचन पूरा खाली खाली लगता है, अब पूरा भरा भरा लगता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, धीरे धीरे मैं अपना एडजस्ट करूँगी, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके सामान ले रही हूँ जो मुझे ज़रूरी लग रहा है, एक साथ में कुछ नहीं होता है। रोज़ मैं हर बार जब भी बात करती हूँ तो ये बात आपको बोलती भी हूँ, धीरे धीरे सब सामान ले रही हूँ तो सब सामान हो भी रहा है। अब मुझे ज़्यादा शौक भी रहता है, मतलब कि अपने सामान से ज़्यादा मुझे किचन का, घर का सामान खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है। मैं ख़रीदती भी हूँ ज़्यादातर, ज़्यादातर किचन का ही ख़रीदती हूँ, घर का तो बहुत कम, जैसे डेकोरेट करने का होता है तो वो तो बहुत कम ख़रीदती हूँ, ज़्यादातर किचन के सामान का ज़्यादा शौक रहता है। इस महीना खूब सारा मैंने किचन का सामान ख़रीदा है, जो देखने से आपको समझ में आ भी गया होगा, नया नया सामान खूब सारा मेरे यहाँ किचन में आया है। हाँ, सामान रखने के बाद अच्छा भी लगता है, अपने आप में अच्छा लगता है, मेरा लक्की बहुत खुश होता है, उसको किचन से कुछ ज़्यादा लगाव है, जैसे वो किचन में करता भी है ज़्यादा, वो सबको यही बात बोलता है, मम्मी का किचन कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो सब कोई बोलते हैं, मेरे पास कमेंट भी आते हैं ज़्यादातर, जब भी मैं किचन का वीडियो बनाती हूँ तो मेरे पास यही कमेंट आता है कि आपका किचन बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे अच्छा भी लगता है ये सब सुनती हूँ कि सबको मेरा किचन पसंद आता है। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया, धीरे धीरे करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, एक बार में कुछ नहीं होता है। मैंने धीरे धीरे करके सब सामान इकट्ठा किया है, एक बार में कोई सामान नहीं मंगवाया है। जैसे अभी भी मैंने मंगवाया है तो 2 महीना 3 महीना मुझे हो गया मंगवाते हुए। हाँ, लगाया मैंने एक साथ में है, पर मंगवाया धीरे धीरे करके है, कोई भी सामान एक साथ नहीं मंगवाया, क्योंकि एक साथ मंगवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उतना नहीं हो पाता है। धीरे धीरे मंगवाती हूँ तो हो भी जाता है। अब मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो स्टील का डिब्बा है वैसा ही सब डिब्बा मैं मंगवा के सब सामान भरूँ। वैसे तो मेरे पास प्लास्टिक का बहुत कम है, ज़्यादातर मेरे पास स्टील का ही है, जैसे बड़ा सामान का स्टील का डिब्बा जो होता है, आटा चावल वाला, वो सब भी मसाला वाला सब ज़्यादातर मेरे पास स्टील का ही है। छोटा वाला डिब्बा है जो सामने जो रखा हुआ है, वो भी मेरा कोशिश ये है कि स्टील का मंगाऊं, और धीरे धीरे करके मैं मंगवा भी लूँगी, हो सकेगा तो इस दीपावली तक मेरा पूरा किचन में स्टील का डिब्बा रहेगा हर सामान का। ऊपर से पूरा किचन का सफाई हो गया है, पहले खाली खाली लगता था, अब नहीं लगता है, अब नीचे का पूरा सफाई करूँगी, उस मतलब ऊपर से ज़्यादा नीचे में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा सामान है, सबको मुझे साफ़ करना है। बीच में दूध आ गया तो दूध गर्म भी चढ़ा दूँगी अपना, सफाई भी होते रहेगा, क्योंकि ऐसे तो पूरा हो गया है, केवल स्लेब को मैंने साफ़ नहीं किया, तो वो कपड़ा लगा दूँगी। अब ऐसे सुबह एक बार मेरा किया हुआ है, पर मुझे अच्छे से करना था, जो मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं लेट से कर रही हूँ। एक बार जैसे झाड़ू पोछा सुबह करती हूँ तो किचन में भी झाड़ू पोछा कर देती हूँ, ये नहीं कि बासी पूरा रखा हुआ है, वो नहीं है, पर एक अच्छे से सफाई करना रहता तो वो दिन में ही होता है, सुबह सुबह मुझसे तो नहीं हो पाता। सुबह मतलब इस काम में लग जाते तो फिर और काम में लेट हो जाता है, फिर उस लड़की को स्कूल जाना जो रहता है तो उस समय उसका ज़्यादा करना पड़ता है, फिर घर में और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है। इस समय है कोई काम नहीं है उतना कि ज़्यादा ज़रूरी का है, और अपना दिन भर करते रहो, कोई ये नहीं है कि हड़बड़ी नहीं रहता, सुबह सुबह ज़्यादा हड़बड़ी रहता है। No.
थोड़ा बहुत सामान मेरा अंदर में रखा हुआ है, जिस जैसे शीशा का गिलास हुआ, प्लेट हुआ, यही सब रखा हुआ है, कप भी रखा हुआ है, वो भी मुझे बाहर निकालना है। पर उसके लिए थोड़ा सा जगह का मुझे सोचना पड़ रहा है कि एक सामान इतना ज़्यादा हो गया है कि अब जगह कम लग रहा है, तो वही सोच रही हूँ कि कहाँ रखूँगी। हालांकि रखा हुआ यही है, सामने में रखा हुआ है, शायद आपको दिखाई भी दे रहा हुआ है, स्लेब के नीचे रखा हुआ है, जो मसालदानी मेरा रखा है उसी के नीचे रखा हुआ है, कार्टून में ही है, क्या कार्टून से मैंने निकाला नहीं है, वो किचन का सामान है इसलिए मैंने यहाँ किचन में रख दिया है, पर निकाला नहीं है। उसका जगह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, निकालूंगी, मेरा मन हो रहा है कि निकालूंगी, पर उसका जगह थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी, उसके बाद निकालूंगी। यहाँ भी सामने प्लाई जो लगा हुआ है उसमें भी मुझे कुछ लगाना है, ऊपर में तो मैंने लगा दिया है पर नीचे भी लगवाना, उसके लिए मंगवाऊंगी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, टाइम रहेगा मेरे पास में तो उसको भी करना ज़रूरी है, वो भी करूँगी। क्योंकि प्लाई लगाने से एक सुविधा हुआ, खूब सारा सामान जो है नीचे आ जाता है, बड़ा बड़ा बर्तन सब मैंने नीचे रखा हुआ है, उसके बाद बड़ा बड़ा टंकी सब है जो नीचे रखा हुआ है, खूब सारा सामान है जो इसके नीचे आ जाता है, मतलब पता भी नहीं चलता कि इतना सामान इसके नीचे रख सकते हैं। सामने स्लेब के नीचे जो रखा हुआ वो तो फिर भी दिखाई दे रहा है, उसमें तो बर्तन ही ज़्यादातर मैंने रखा हुआ है। ये वाला स्लेब के नीचे और बड़ा है, क्योंकि ये इसका चौड़ाई और लंबाई दोनों बड़ा है, तो इसके नीचे और ज़्यादा सामान आता है। इसके बाद सफाई मेरा हो चुका है, यहाँ का सफाई मेरा पहले से किया हुआ था, केवल झाड़ू लगाऊंगी, तो आजकल मैं शाम में लगा देती हूँ, दोपहर में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि दोपहर में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हवा मतलब पर्दा देखने से आपको समझ में आ गया होगा कितना ज़्यादा हवा तेज़ चल रहा है, तो इसलिए मैं शाम में 4 बजे के बाद ही यहाँ का झाड़ू लगाती हूँ। जैसे एक बार सुबह जो लगता है झाड़ू पोछा, तो उसके बाद सीधा शाम में 4 बजे लगाती हूँ। गंदा मेरा बहुत जल्दी हो जाता है, इस समय का जो मौसम है बहुत ज़्यादा गंदा मौसम लगता है, क्योंकि घर झाड़ू पोछा करो तुरंत गंदा हो जाता है, अब बरामदा तो और ज़्यादा गंदा होता है, इसलिए मैं गेट को बंद कर दूँगी, क्योंकि अभी ठंड है, बादल पूरा घिरा हुआ, पर मैं काम कर रही थी इसलिए मुझे ठंड कम लगता है काम करती हूँ, तो मैं स्वेटर निकाल देती हूँ, तो अभी स्वेटर पहन लूँगी, पहले मैं खाना बनाने का तैयारी करूँगी। सफाई करते करते मुझे लेट भी हो गया है, हालांकि सफाई की वे हो गया मुझे 1-1.5 घंटा, उसके बीच में मैंने नाश्ता भी किया है, बहुत सारा काम है जो मैंने किया है, दीदी भी आके चली गई है, उसके बाद मैं खाना बनाने में लगी हूँ, तो खाना बनाने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है जो सब्ज़ी काटने में मुझे लगता है, कुछ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी गोभी काटने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि सब्ज़ी अभी आया हुआ नहीं है, मंगवाऊँगी तो वो शाम में मंगवाऊँगी, सुबह सुबह मैंने यहीं से गोभी मंगवा लिया, आलू गोभी का सब्ज़ी मैं बना लूँगी। मेरे यहाँ गोभी का सब्ज़ी लक्की को बिल्कुल पसंद नहीं है, पीयूष तो फिर भी खा लेता है, जैसे अभी सूखा सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ वो चावल के साथ अच्छा लगता है, लक्की केवल नहीं खाता और सब कोई खा लेते हैं। हाँ, जो होता है प्याज लहसुन डाल के रस वाला जो सब्ज़ी बनाते हैं लिक्विड वाला, वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। सूखा सब्ज़ी जैसे मेरे यहाँ भुजिया बोलते हैं, वो बनाती हूँ तो खा लेते हैं, चावल के साथ अच्छा लगता है, रोटी से ज़्यादा चावल के साथ अच्छा लगता है, तभी दाल चावल बनाऊँगी, तो इसलिए मैं आलू गोभी का सब्ज़ी बना भी रही हूँ। सब्ज़ी की और सबसे बड़ा दिक्कत है कि क्या सब्ज़ी बनेगा, हालांकि आज सुबह मैंने नाश्ता में कोई सब्ज़ी नहीं बनाया है, पीयूष लकी ने दुकान का सब्ज़ी खा लिया है, दुकान का सब्ज़ी खा लेते तो हो जाता, नाश्ता का मुझे उतना नहीं सोचना पड़ता है, बहुत बार ऐसा होता है जो सुबह बना लेती हूँ नाश्ता में तो फिर दिन में वही हो जाता है, जैसे 3 टाइम सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ मैं, 2 टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ, 1 टाइम भले ही दोपहर में बनाऊँ या फिर सुबह नाश्ता में बनाऊँ, 1 टाइम फिर रात में बनता है, 3 टाइम नहीं बनता है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, मेरा केवल सब्ज़ी बना है, तो यहाँ देखिए मेरा सब्ज़ी बन के तैयार है, देखने में वाइट वाइट लग रहा है, दाल मैंने यहाँ चढ़ा दिया है, दाल मैंने चढ़ाया, लाइट चला गया है, तो अभी देखती हूँ, थोड़ा इंतज़ार करूँगी तो फिर गैस पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि अभी मेरे यहाँ खाना कोई नहीं खाएगा, पीयूष लगी 3:30 बजे स्कूल से आएंगे तब खाएंगे, सब्ज़ी बना के मैंने छोड़ दिया, अब जाऊँगी अंदर, दाल बनते रहेगा, क्योंकि दाल कम करके चढ़ा दूँगी, थोड़ी देर बैठ के 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा आराम करूँगी, क्योंकि सुबह से मैं आज लगी हुई हूँ, सबसे ज़्यादा तो मैंने किचन का सफाई किया, वैसे तो रोज़ किया जाता है पर आज मैंने थोड़ा सा अच्छे से किया है, जो 15-20 दिन में करना ज़रूरी होता है, हालांकि मुझे आदत है कि गैस चूल्हा बाहर निकाल के सब सामान बाहर निकाल के साफ करती हूँ, पर आज का मौसम मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत मतलब लग रहा है कितना बारिश आएगा, इतना बादल पूरा घुटा घुटा लग रहा है, हालांकि सब जगह बारिश हो रहा है, मैंने बारिश अभी हुआ नहीं है पर बादल पूरा लग रहा है कि कितना बारिश आ जाएगा, धूप सुबह सुबह हल्का धूप हुआ था, अब तो कुछ नहीं है, मैंने थोड़ी देर के लिए स्वेटर पहना था, फिर काम करती तो थोड़ा सा एक होता ना सांस फूलता है तो मैंने निकाल के रख दिया है, अब जाऊँगी थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, कंबल में बैठूँगी तो स्वेटर का जरूरी नहीं, जब बाहर निकलूँगी तभी ज़रूरी होगा, क्योंकि आज फिर से हो गया कि दिन में कंबल में बैठने वाला दिन, नहीं तो नहीं रहता है दिन में कंबल का कोई ज़रूरी नहीं रहता है, दिन में जैसे धूप में बैठे रहते हैं या फिर अंदर रूम में बैठते तो ठंड नहीं लगता, पर आज फिर से दोबारा से लग रहा है कि हाँ ठंड शुरू हो रहा है, काम तो कंप्लीट है, थोड़ी देर जाके आराम करूँगी, चावल बनाऊँगी तो लेट से बनाऊँगी, पीछे लेके स्कूल से आने से 10-15 मिनट पहले बना लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे यहाँ उधर ही खाना हो रहा है, मतलब कि कभी सुबह का कभी शाम में ज़्यादातर उधर हो जाता है, कभी कुछ बनता है तो पीयूष लकी उधर खा ही लेते हैं, कभी कभी मेरा भी हो जाता है, रात में भी मेरा उधर ही हुआ था, सबका हुआ था मेरा, यदि
मतलब कि क्या बना था रात में सब्जी, याद? आलू और इसका बड़ी का सब्जी बना था। तो कभी मतलब कि मन लायक चीज़ बनता है तो इधर से उधर हो जाता है, तभी मैं बना रही हूँ चावल दाल, क्योंकि कल एकादशी है तो कल बनेगा नहीं। पर इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।